हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं मोबाइल के कुछ ऐसे क्लोन गेम्स जो लिटरली पीआईए जैसे हैं। तो वीडियो में बने रहना, लेट्स बिगिन। गाइस यार, पहला गेम है हमारे पास पैल वर्ल्ड है। देखते हैं कितनी ज्यादा सिमिलरिटीज है इस गेम में। ठीक है, लेट्स गो। ओके, यहाँ पर हमारे पास है काफी अच्छा इंटरफेस जिसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर हमारे पास टास्क दे रखे हैं ऊपर और नीचे यहाँ पर हमको जो है कुछ और टास्क भी दिए हैं, अगर आप देख सकते हो नीचे लेफ्ट कॉर्नर में। तो ठीक है गाइस यार, फर्स्ट टास्क है हमारा जहाँ पर अपन को जो है ये परमिटिव वर्क बेंच जो है कलेक्ट करनी है, मतलब अपन इसको बिल्ड करना चाहते हैं। तो इसको बिल्ड करना है अपन को, सबसे पहला टास्क है अपना। एंड देन इसकी लोकेशन ढूंढनी है कि भाई कहाँ पर अपन जो है इसको बिल्ड करके रखेंगे। एंड यार गाइस ये देखो, यहाँ पर हमारे पास है एक पोकेमोन। भाई यहाँ पर जो है हमको एक पोकेमोन मिला है एंड पता नहीं इसका नाम क्या है। ओके, यहाँ पर इसका नाम है लीफलेस, लीफेस नहीं, क्या नाम है इसका भाई, पढ़ने नहीं दे रहा मुझे, इतना भाग रहा है भाई, इतना क्यूट सा तो है ये। लीफेस नाम है इसका। एंड भाई ये देखो, पूरा ग्रीन कलर का ये पोकेमोन। एंड यहाँ पर कुछ और भी पोकेमोन है गाइस। ये देखो, यहाँ पर हमारे पास है ये एक येलो कलर की बिल्ली और इसका नाम है कटारो। यस गाइस, इसका नाम कटारो है। हेलो कटारो, कहाँ जा रही भाई ये बिल्ली, कहाँ जा रही है? और इसके भागने का तरीका देखो भाई, ये लिटरली इतनी टॉल है ये बिल्ली, मेरे प्लेयर की जितनी टॉल है। यहाँ पर अपन को जो है वो पहल वर्ड की जो फर्स्ट मुर्गी आती है ना, जिसको अपन को हंट करना पड़ता है, वो भी मेरे को सामने दिखी है। देखो ये रही गाइस, रोस्ट एप भी हमको यहाँ पर दिख गई है। लेट्स गो। अभी अपन को जो है गाइस यार, यहाँ पर सबसे पहले ना वर्क बेंच बनानी है, तो उसके लिए अपन को जो है वुड कलेक्ट करनी पड़ेगी। एंड हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है वर्क बेंच। लेट्स गो गाइस, फाइनली अपन ने जो है इतना जल्दी वर्क बेंच भी कलेक्ट कर लिया है। एंड यार इसको प्लेस करते हैं, अभी अपन जल्दी से यहाँ पर बिल्ड करते हैं इसके ऊपर कुछ चीजें। एंड गाइस यार, यहाँ पर जो है ये मेरे को कुछ चीज कलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब क्राफ्ट करने के लिए बोल रहा है। एंड इसका नाम है पेल्सवेयर। एंड गाइस आई थिंक सो, ये जो बॉल आपको रेड कलर की दिख रही है ना इधर वर्क बेंच के अंदर, ये इसका नाम है पेल्सवेयर आई थिंक सो। एंड यार ये अपन को जो है क्राफ्ट करनी पड़ेगी। एंड इसको क्राफ्ट करने के लिए अपन को जो है ट्रीज को चॉप करना पड़ेगा एंड यार लकड़ियों को भी चॉप करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ट्रीज को चॉप करना पड़ेगा एंड स्टोन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है मैं पत्थर के पास आ चुका हूँ। गाइस यार आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पर जो है अभी मैं सबसे पहले तो ये पत्थर को तोड़ लेता हूँ, थोड़े बहुत पत्थर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस, अभी जो है मैंने स्टोन्स तो कलेक्ट कर लिए हैं यार, मेरे को जहाँ पर जाना है वहाँ पर है। तो जल्दी से यार ये पेड़ को भी एकदम मैं काट लेता हूँ एंड जल्दी से अपन जो है वुड भी कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि अपन जो है अपना पेल्सफेयर बना पाए। ठीक है, लेट्स गो। ओके गाइस, फाइनली यार अपन ने जो है पेल्सफेयर बना लिया है, लेट्स गो। ओके फाइनली, अभी जो है हम जो है यहाँ पर अपना जो है सेकंड टास्क अपन को गेम ने दिया है, जिसमें अपन को कलेक्ट करना है एक चिकन को। एंड अपन को जो है प्रेस थ्रो एंड पेल्सफेयर एंड कैप्चर देम। ओके गाइस, अपन को जो है सेकंड टास्क इस गेम ने दिया है, जिसमें अपन को जो है ये चिकन आपको दिख रही होगी, तो ये रूस्टर्स को अपन को जो है कलेक्ट करना है। ये रूस्टर्स है क्या भाई, ये क्या है, अब इतनी छोटी सी बकरी नहीं, लेबॉम नाम है इसका। एंड भाई ये देखो कितनी क्यूट लग रही है ये बकरी। तो गाइस यार जल्दी से अपन इस चिकन के पास आ चुके हैं, यहाँ पर जो है मैंने एक को आई थिंक सो खत्म कर भी दिया है। एंड अभी जो है इसके ऊपर ये बॉल फेंकते हैं भाई, फाइनली अपन ने जो है एक रूस्टर को कलेक्ट कर लिया है। गाइस ये देखो भाई, नीचे इन्वेंटरी में देखो, अपने पास तीन रूस्टर्स कलेक्ट करने का टास्क है, एक अपन ने कलेक्ट कर लिए। एंड देन जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं यार, इसको भी कलेक्ट करते हैं। ओके गाइस, फाइनली अपने जो है सारे टास्क कंप्लीट अपन ने कर लिए हैं। अपन ने जो है सारे के सारे तीन रूस्टर्स अपन को कलेक्ट करने के लिए बोले थे वो कलेक्ट कर लिए हैं। देन अपन ने वुड्स तोड़ लिए हैं, देन अपन ने स्टोन भी तोड़ लिए हैं। एंड यार ये जो गेम है काफी ज्यादा फन है, ठीक है, अगर इसको अपन अच्छे से खेले तो बहुत ज्यादा फन है। टास्क भी अपन को यहाँ पर जो है मिलते जाता है। देखो यहाँ पर अपना जो है थर्ड टास्क आ चुका है, जो कि है शीप्स को मारने का। और ये वाला गेम जो है मेरे को काफी सिमिलर लगा पैल वर्ल्ड से, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा ठीक है, फिजिक्स भी एकदम अच्छे हैं एंड बाकी मैकेनिज्म्स भी अच्छे हैं गेम के, ठीक है। एंड यार अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ, ठीक है, चलो। जो गाइस यार सेकंड गेम है हमारे पास अमाइकिंस। एंड यार ये वाला जो गेम है ना, ये भी अपने पैल वर्ल्ड पीसी से बहुत ज्यादा सिमिलर है और प्ले स्टोर पर ये मेरे को मिला था। एंड यार इसमें जो है ना, ये गेम जो है थोड़ा सा मेरे को स्टोरी मोड लग रहा है, क्योंकि यार इसमें जो है शुरुआत में एक टीजर ट्रेलर टाइप सा आया था, बट यार वो ट्रेलर जो है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि यार ये गेम ने जो है मेरे को रिकॉर्ड करने ही नहीं दिया। बिकॉज यहाँ पर जो है मैं रिकॉर्डिंग चालू कर रहा था, तो वो ट्रेलर पे जो है मेरी रिकॉर्डिंग क्रैश हो रही थी, तो भाई इस गेम ने वो जो ट्रेलर है वो रिकॉर्ड ही नहीं करने दिया। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है अपना गेम चालू हो चुका है। एंड जो गेम है वो 2D है एज यू कैन सी। एंड अभी जो है मेरे को कुछ चीज़ें करनी है, जैसे यहाँ पर जो है पिकअप रिसोर्सेज फॉर ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर मेरे को जो है ये चीज़ उठानी है, मेटल का स्क्रैप था कुछ, वो इसने मेरे को उठाने के लिए बोला है, ठीक है। एंड अभी जो है अपन यहाँ पर
क्या करना है भाई, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। एंड यहाँ पर जो है गाइस, ये वाला मेरा जो पेट है ना, उसका नाम फ्लेयर हॉट है। एंड ये जो है गाइस, इसकी खासियत है ये ना मुंह से आग फेंकता है, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि अपन को जो है बिल्ड करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अपन को बिल्ड करना पड़ेगा अपना एक वर्क स्टेशन, जिसपे अपन जो है काम करते हैं, समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपन को ये बिल्ड करना पड़ेगा, तो मेरे को जो है यहाँ पर चीज़ें को प्लेस करना पड़ेगा, आई थिंक सो। तो ये बोल रहा है प्लेस इट हियर, एंड यहाँ पर अगर मेरे को इसको प्लेस करना है तो करना कैसे एक्चुअली। अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे प्लेस कर सकता हूँ इसको। एंड लेट्स गो, फाइनली अपन ने जो है एक वर्क स्टेशन यहाँ पर जो है प्लेस कर दिया है, जिससे अपन जो है काम धकते हैं छोटा मोटा, समझ रहे हो ना तुम। एंड बाकी यार इसके ऊपर, इसके पास चलते हैं अपन, एंड यार देखते हैं अपन जो है क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या क्राफ्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मेरे को एक पेड़ दिख चुका है, अगर अपन इस पर मारते हैं तो ओके फाइनली गाइज यार अपन ने जो है एक पेड़ को कलेक्ट तो कर लिया है फाइनली। ये पेड़ अपन को यार काफी मुश्किल से मिलेंगे। ये रहा वो पोकेमोन, ओए कहाँ जा रहा है छोटे भाई, इसको देखो भाई कहाँ भागते हुए जा रहा है ये। हेलो छोटू भाई, भाई वो दो हैं, तीन है भाई यहाँ पर, लोल। खैर कोई नहीं यार, अपन जो है अपने टास्क करते हैं। यहाँ पर मेरे को एक और पेड़ मिला है, लेट्स गो, इसको भी जल्दी से तोड़ लेते हैं। देन अपने पास बचेगा एक पेड़ तोड़ने के लिए, लेट्स गो गाइस, इसको भी तोड़ लिया अपन ने। एंड यार यहाँ पर बहुत सारे पेड़ है भाई, यहाँ पर मैं था शायद थोड़ा सा जंगल में आ चुका हूँ, ठीक है भाई लेट्स गो। अपन ने जो है पेड़ भी काट लिए हैं, तीन पेड़ काटने के लिए बोला था, ठीक है। एंड अभी अपन को जो है इक्विपमेंट बेंच बनानी है, ठीक है। ये इक्विपमेंट बेंच कैसे बनेगी अभी मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा। चलिए गाइस यार यहाँ पर जो है मेरे को इक्विपमेंट बेंच मिल चुकी है, इक्विपमेंट बेंच अपनी बन रही है, तो मैं इसको यहीं पर ही प्लेस कर देता हूँ, अपनी जो है ये इन्वेंट्री जो टेबल है इसके पास ही प्लेस कर देता हूँ। एंड देन ये अच्छा रहेगा थोड़ा, क्योंकि पास रहेंगे तो यू नो। तो भाई यहाँ पर अब मैंने इसको प्लेस कर दिया है गाइस, लेट्स गो। अपनी जो है यहाँ पर इक्विपमेंट बेंच जो है वो भी बन चुकी है। एंड अभी अपन जो है अपना वो जो स्कैवेंजर क्लब करके वो जो आइटम था ना वो भी बना सकते हैं। ओके गाइस फाइनली अपना जो है इक्विपमेंट बेंच बनाने वाला टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने बना लिया इक्विपमेंट बेंच, ठीक है। अभी अपन चलते हैं यार और वो वाली चीज़ भी बनाते हैं, ये रहा वो क्राफ्ट कर सकते हैं इसको अपन, लेट्स गो। इसको 30 सेकंड्स लगेंगे क्राफ्ट होने में। 10 लेट्स गो भाई, बन चुका है अपना स्कैवेंजर क्लब का ये एक आइटम भी, ठीक है। लेट्स गो, इसको करते हैं टेक। ओके गाइस यार अभी अपन चलने वाले हैं अपने वीडियो के लास्ट गेम की तरफ, एंड यार उस गेम का नाम है पोकेमोन यूनाइट, एंड लेट्स सी ये वाला गेम भी कैसा होता है। बाकी के पुराने जो दो गेम खेले अभी मैंने वो तो काफ़ी ठीक थे, इतने भी ज़्यादा ख़राब नहीं थे, इतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बट यार इस गेम से मेरे को थोड़ी ज़्यादा होप है, क्योंकि इसके स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे थे। तो देखते हैं, चलते हैं इसको खेलते हैं, एंड देखते हैं यार ये अपने पैल्ड वर्ल्ड जैसा है या नहीं। तो यहाँ पर अपन को एक ग्राउंड दिख रहा है बहुत छोटा सा, एंड भाई साहब लेट्स गो। ओके पिकाचू अच्छी, अपन को इन सारे पोकेमोन को पहनना है, एंड अपने पास तुमको पता है कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है, ठीक है। पावरफुल पोकेमोन होने के साथ अपने पास पिकाचू है, एंड जल्दी से इसकी भैंस की ट्रैक करते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर अपने पास बहुत सारे कॉम्बो अटैक्स भी है, जिसमें ये वॉल टू ट्रैकल और ये इलेक्ट्रो बॉल भी है, ठीक है। ये इलेक्ट्रो बॉल भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक था, एंड ओके यहाँ पर इसको भी मार सकते हैं अपन, लेट्स गो लेट्स गो भाई। ये पिंक कलर का पता नहीं कौन सा पोकेमोन है, एंड गाइस मैं आपको बता दूँ। एंड भाई यहाँ पर ये मंकी जैसा कुछ था, इसको भी मैंने मार दिया, लेट्स गो। यहाँ पर ये एक पिंक कलर का पोकेमोन जो है मेरा पीछा कर रहा है भाई, लेकिन अपना पिकाचू जो है पीछा नहीं छोड़ रहा है सबका, सबको पेल दिया, लेट्स गो। भाई साहब क्या अटैक दिया मैंने इसको, तीनों अटैक एक साथ दे दिए भाई। अच्छा बेटा ये ले, ये देखो भाई, ये देखो इसका ऑलमोस्ट हेल्थ खत्म हो चुका है गाइस, ऑलमोस्ट। एक और कॉम्बो अटैक देता हूँ मैं इसको, ये ले यार क्या कूल भाई, ये गेम बहुत मस्त है भाई। यार इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, कमेंट में बता दो कैसा लगा ये वाला गेम, पिकाचू यूनाइट है इसका नाम, और इसको अगर मैं रेट करूँ तो इसको यार अपन जो है रेट कर सकते हैं 9, क्योंकि यार 10 में से 9। तो ये वाला जो गेम है ना मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, इसकी ग्राफिक, इसके फिजिक्स, इसकी कॉम्बो मूव्स जो भी है ना भाई बहुत ज़्यादा प्यारी है। इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।